बीएसपी सांसद मलूक नागर है हमारे साथ। सर, आपके सदन में टेबल कर दी गई एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पवन मोहित्रा को लेकर के, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, ये कहा जा रहा है। देखिए, रिपोर्ट तो मैंने अभी देखा नहीं है और जो रिपोर्ट टेबल हुई है उसे पढ़ लेंगे, लेकिन जो देश के कानून के हिसाब से फैसला जो भी हो, अगर कोई भी एमपी विदेश से उसके कोई क्वेश्चन फीड करता है तो देश के कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन 12 बजे सदन स्टार्ट हुआ तो फिर हंगामा और स्थगित 2 बजे तक, दोबारा 12 बजे 11 बजे स्थगित, 12 बजे स्टार्ट हुआ 2 बजे तक के लिए स्थगित। देश की गाढ़ी कमाई जो लोगों की होती है उसमें से टैक्स के रूप में जो पैसा आता है वो करोड़ों रुपए रोज खर्च हो रहे हैं, और जो 20 लाख लोग हमको अधिकृत करते हैं, जाओ हमने अपनी शक्ति आपको दी और संसद में हमारे बिहाब पे हमारे लिए और देश के लिए काम करो, तो वो उनके भी मौलिक अधिकारों का भी और हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन है। यानी कि उस पर निर्णय होना एक अलग है और संसद जरूर चलना चाहिए। जो संसद को रोक के बैठे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है, और पार्टी पॉलिटिक्स एमपी मिनिस्टर ये बनना एक अलग बात है और देश के लिए काम होना एक अलग बात है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सांसद दानिश अली हमारे साथ हैं। सर, आपने ये तख्ती भी लगा रखी है और अभी जो संसद के अंदर फैसला हुआ है उस पर क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि संसद की मर्यादा कब भंग हुई? संसद की मर्यादा, ये ऐसे जो महुआ मोहित्रा पे आरोप लगाए उसमें भंग हुई है, या संसद की मर्यादा 21 सितंबर की रात को भंग हुई थी जब रमेश विदुड़ी ने गाली गलौच की? एथिक्स कमेटी में आपके ऊपर भी टिप्पणी हुई? एथिक्स कमेटी में हमारे ऊपर टिप्पणी हुई है। हम तो कह रहे हैं जब महिला के साथ अन्याय हो रहा था, जब महिला का वहां वस्त्र हरण हो रहा था, उस वक्त हमने उसका विरोध किया। हम तो इसको बैच के रूप में पहनते हैं कि कम से कम हम अन्याय के खिलाफ, जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, महिला का कंडक्ट को जो है वो कर किया जा रहा था, उस वक्त हमने उसका विरोध किया और उसके लिए हम सजा भुगतने को तैयार हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। प्रियंका चतुर्वेदी है हमारे साथ। मैडम, क्या कहेंगी, एक्सपेल कर दिया गया है उनकी सदस्यता महुआ मोहित्रा को? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, फिर से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन जल्दबाज में उनका गिल डिक्लेयर कर दिया गया और उनको बोलने की अनुमति नहीं दी गई, दुर्भाग्यपूर्ण। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, महुआ मोहित्रा की सदस्यता गई है? इसको जो हुआ सदस्य पद जो खारिज किया, ये पूरा कंप्लीट वायलेशन ऑफ लॉ को हुआ है। देयर इज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। हीरानंदानी का एफिडेविट को रिलाई किया है, हीरानंदानी एथिक्स कमेटी में नहीं आया है, डिपोज नहीं किया है, नहीं बोला है, ये उनका एफिडेविट है। हीरानंदानी का क्रॉस एग्जामिन करने का कोई मौका नहीं दिया है। अदर एडवोकेट हु अपीयर्ड, ही वॉज नॉट अलाउड टू बी क्रॉस एग्जामिन। That is entirely violation of natural justice, a violation of Article 14. Section 43 of the Information and Technology Act, which has been relied upon by them, वो भी अप्लाई नहीं करता है केस में, वो भी हम दिखा दिया। एक्सपेल करने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, रूल में कोई प्रोविजन नहीं है। हाउस कैन एक्सपेल एनी वन, हाउस कैन सस्पेंड समवन अंडर द रूल्स, हाउस कैन डिस्क्वालीफाई अंडर आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउस करने नहीं सकते। फिर इसके पीछे क्या मंशा? हम तो बोल दिया है, मंशा क्या है? देखिए मोवा क्या स्ट्रेटेजी लेता है मोवा। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदम्बरम हमारे साथ हैं। सर, महुआ मोहित्रा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है क्या? As I told you in paragraph 72 of the recommendations by the ethics committee, they find her conduct criminal. While they come to a conclusion her conduct is criminal, how can they ask for then the next line is they recommend for an intense institutional inquiry. After finding her conduct criminal, how can you ask for an inquiry? And if you conduct or found her conduct criminal, you must follow legal procedure. And if you have a legal procedure, you must allow her cross-examination. You did not allow cross-examination of the two people who made the accusations. Without allowing cross-examination, you have found somebody criminal. After finding somebody criminal, you are asking for an institutional inquiry. And then you are saying you must be expelled. It's a cruel and unusual punishment. And you have completely
not followed principle of natural justice evidence. So this is a completely flawed report. It's unfortunate that this parliament has relied on a flawed report to expel her. But as I told you, in my experience, any woman who's been wronged only rises up in Indian politics. And I can only tell that Mahbuba Moitra is going to come back with a bigger majority in the 18th Lok Sabha. Ravi Kant, ABP News, Delhi. Mahbuba Maji hai hamare saath. JMM की सांसद हैं. मैडम, क्या कहेंगी महुआ मोहित्रा के एक्सपल्शन पर? उनकी सदस्यता आज रद्द कर दी गई. देखिए, ये बहुत ही दुखद है और लोकतंत्र के लिए कहीं भी सही नहीं दिखता, क्योंकि एथिक्स कमेटी ने जितनी जल्दबाजी के साथ सारा कुछ लिया, जो निर्णय लिया, और आज संसद से भी उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई. जो आरोप उन पर लगे थे कि पैसे लेकर उन्होंने सवाल पूछे, तो वो अभी तक साबित नहीं हुआ है. और महुआ मोहित्रा जी को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया. ये गलत है. हर एक को अपना मौका देना चाहिए. उसके बाद अगर ये साबित होता कि उन्होंने सच में पैसे लिए, तब उन पर कार्रवाई होती, तो हमें बुरा नहीं लगता. और दूसरी बात कि ऐसा जो लोग अंदर थे एथिक्स कमेटी की मीटिंग में, कि कुछ लोगों ने बाहर आकर जो बातें बताई कि उनसे जो सवाल जवाब किए गए, वो किसी भी एक महिला सांसद के लिए अपमानजनक था. तो ऐसे सवालों से भी बचना चाहिए. एथिक्स कमेटी को एथिक्स का पालन करना चाहिए था, और हम सभी लोग उनके साथ हैं, क्योंकि वो जिस तरह से आवाज उठाती थी, उसे खामोश करने के लिए कहीं ना कहीं जल्दबाजी में ये निर्णय लिया गया है, ऐसा लगता है. और लोकतंत्र के लिए कहीं से उचित नहीं है. जिन लोगों ने भी अपनी आवाज बुलंद की, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, उन सबके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई से लोगों को डराने की कोशिश है कि भाई आप सभी लोग खामोश रहो, ये तो सबका ऐसा हश्र होगा. इस तरह का एक संदेश देने की कोशिश है सत्ता पक्ष की तरफ से, जो कहीं ना कहीं हमारे देश के संविधान को भी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने लगा है कि क्या हम उनका पालन कर रहे हैं या कर पाएंगे आने वाले दिनों में. तो हम सभी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, महुआ मोहित्रा के साथ हैं. हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो बहुत दुगुने वोट से जीत कर आएगी और फिर सदन में अपनी आवाज को और बुलंद करेंगे. रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली.